नमस्कार, इस वक्त मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी, न्यूज लाइव राजस्थान से। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर, पानी को शहर में मचा हाहाकार, नगर पालिका में पेयजल की मांग को लेकर हंगामा। वार्ड नंबर 9 की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, चेयरमैन के चैम्बर में मटके फोड़कर जताया विरोध। पिछले कई दिनों से महिलाएं पानी के लिए हो रही परेशान। ईओ सरिता ने महिलाओं की समस्या सुनकर दिया आश्वासन। ईओ के आश्वासन के बाद हुआ मामला शांत, 5 दिन में नई पाइपलाइन डलवाने का दिया आश्वासन। पानी को लेकर त्राही मची है, भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोग धरने प्रदर्शन पर उतर आते हैं। राजधानी के शहर में 36 करोड़ रुपयों की पेयजल योजना की स्वीकृति होने के बाद भी पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। यह तस्वीरें किसी गांव ढाणी की नहीं है, जहां सर पर मटकी रखकर हाथों में बाल्टी लेकर दूर के ट्यूबवेल से महिलाएं पानी लेकर आ रही है। यह तस्वीरें देखकर भी यही लगता है कि इस शहर में पानी की कितनी किल्लत होगी, आम जनता पानी के लिए कैसे तरसती है। यह तस्वीरें हैं राजधानी से 35 किलोमीटर दूर चोमू कस्बे की। जम्मू शहर में पेयजल समस्या को गंभीर मानते हुए विधायक रामलाल शर्मा के भागीरथी प्रयास जरूर रंग लाए। विधायक शर्मा के प्रयास से शहर में JDS से 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हुई, लेकिन यह पेयजल योजना भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पाई। अभी चोमू की जनता के कंठ सूखे हैं। स्पेशल योजना के तहत शहर में 6 टंकियों का निर्माण करवाया गया था और इन टंकियों से पाइपलाइनों को बिछाने का काम भी पूरा हो गया था, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। महिलाओं की जुबानी, बढ़ती पानी की समस्या को लेकर आज वार्ड नंबर 9 बुनकर मोहल्ले की महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र होकर नगर पालिका पहुंची। यहां नगर पालिका ईओ सरिता को समस्या से अवगत कराया। वहीं नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत के चैम्बर में महिलाओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं चेयरमैन के दफ्तर में मटकी फोड़कर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मामले को गंभीर मानते हुए नगर पालिका ईओ सरिता बड़सरा ने महिलाओं की समस्या को समझकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और समस्या का समाधान करने का आश्वासन महिलाओं को दिया। ईओ सरिता ने महिलाओं को 5 दिन में समस्या का निस्तारण करने के बाद आश्वासन दिया। ईओ ने बताया 5 दिन बाद वार्ड नंबर 9 बुनकर मोहल्ले में नई पाइपलाइन डालने की काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा। मैं मनीषा वर्मा वार्ड नंबर 9 से इन तमाम महिलाओं के साथ में आई हूँ। ये पानी की समस्या को लेकर पिछले साल भी हमने बहुत संघर्ष किया पानी के लिए, तो 2 महीने के लिए हमारे पानी आया, पाइपलाइन डाली गई, बहुत संघर्ष किए तब कहीं जाके पाइपलाइन आई। उसमें अवैध कनेक्शन कर लिए गए और अवैध कनेक्शन इतने कि 1 ड्रॉप भी अब वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा, और अवैध कनेक्शन की सूचना मैंने तमाम विभागों को कर दी थी, लेकिन उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वैसे तो नलों में पानी हमारे 6-7 साल से नहीं आ रहा, एक बोरवेल से हम काम चला रहे थे, और आप मेरे पीछे इन औरतों को देख रहे हैं, इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये लोग 300 से 400 रुपये टैंक करके दे और फिर पानी ले। 100 रुपये एक इंसान मजदूरी करके कमाता है, वो 300 से 400 रुपये देने की उम्मीद हम उनसे नहीं कर सकते। हाँ, ईओ ने बोला है कि हमें 2-3 दिन का टाइम आप दीजिए तो हम करते हैं। आश्वासन हमें बहुत मिले, आश्वासन तो इतने महीनों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हुआ बुनकर मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच पा रहा और अवैध कनेक्शन चलते हुए प्रशासन के नीचे से सारा काम हो रहा है, लेकिन ये लोग देख नहीं पा रहे कि अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। हम उनका कोई सोल्यूशन निकाले, अगर उनकी परेशानी है जिन्होंने अवैध कनेक्शन किए हैं तो उनका सोल्यूशन भी करें। जनता तो विश्वास इन्हीं पे करेगी ना, जनता कहाँ जाएगी फिर?
एक तरफ महिलाओं के विकास की बात करते हैं कि महिलाओं का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, विकास विकास ये होगा कि सुबह से लेकर शाम तक एक मटके पानी के लिए वो बोरवेल पे बैठी रहेगी कि एक पीने का पानी मिले उसे। ये सरकार हमारा ये विकास करवाएगी, हम उम्मीद करते हैं, हम वोट देते हैं इसी आश्वासन इसी आधार पे कि हमारा पानी कम से कम पानी जैसी बिजली पानी की समस्या है तो कम से कम सोल्व होए, लेकिन ये हमारी परेशानियां सोल्व नहीं कर पा रहे। 6 से 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा लगता है कि गांव में रह रहे हम लोग। और बिल ले जाए टेमा टेम बिन तो कैंसिल कौन करी देखा, एक दो महीना भाई बिन तो कौन ले ला मैं है, और दो दो मटका हो सारे दिन बिन लड़ाई को दम हो मैं भाई बंदा मार सिरी में पानी को ना खेरे दरी कोई सुना ही कौन करे। 400-500 रुपया गरीब आदमी कड़े लिया मैं ना माँ का कोई हो दाद गला बने न टैंकर वाला कोई गाल बा में गाड़ा दुखी हो गाड़ जना भाई इंडिया आया जा कोई सुना ही कौन करे माँ की डोल डोल चलिया जा चार झूठ बोल बोल मन खंदा दी चब काजो अब काजो 5-7 दिन में हो जाए ली व्यवस्था नहीं हो जाए ली कहीं कौन है जाए जाए तो हाँ। जाए का पगड़ा पगड़ा ले सुना जल्दी से जल्दी गाड़ा तो मैं तो पानी बिना गाड़ा दुखी होगा।